स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी में। नगर परिषद चुनाव को लेकर चारों ओर चर्चा है। जनता के सबसे पहले रहने वाले पार्षद जनता के हर दुख दर्द से वाकिफ होती हैं। ऐसे में जनता के लिए सबसे बड़ा योगदान भी पार्षदों का ही रहता है, फिर चाहे वह पानी की समस्या हो या फिर साफ सफाई की। सबकी जिम्मेदारी पार्षद की ही होती है। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 से वर्तमान वार्ड पार्षद है राजू यादव। राजू यादव लगभग 30 वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। 2007 में राजू यादव ने प्रथम बार वार्ड पार्षद का चुनाव महिला सीट होने के कारण अपनी पत्नी उवंती देवी को प्रत्याशी बनाया और उन्हें जीत हासिल हुई। 2012 में राजू यादव की पत्नी चुनाव जीती। 2017 के नगर परिषद चुनाव में राजू यादव खुद वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े और इस बार भी जीत हासिल की। संवाददाता से बातचीत में राजू यादव ने बताया, अभी तक के कार्यकाल में अपने वार्ड नंबर 15 में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आई उसको धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। उन्होंने बताया, अभी तक लगभग 100 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वार्ड में कई जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, वार्ड में हमेशा साफ सफाई करवाना, गरीब लोगों के घर में शौचालय निर्माण, 200 स्ट्रीट लाइट वार्ड में लगवाया, लोगों को पेंशन दिलवाना, इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य मेरे द्वारा किए गए। राजू यादव ने अपने वार्ड से जनता से अपील की है, अगर मैंने अच्छा काम किया तो 2022 के नगर परिषद चुनाव में मुझे अपना समर्थन देकर अपना वार्ड नंबर 15 का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। अब देखना यह होगा कि जनता उन्हें कितना मौका देती है। इन दिनों बिहार में नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि नगर परिषद का जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक है, जिसको लेकर प्रत्याशी भी अपने जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। आज मैं जमुई जिले के झाझा नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में आया हूँ। यहाँ से वर्तमान वार्ड पार्षद हैं राजू यादव जी। राजू यादव जी के बारे में आपको बता दें कि विगत 15 वर्षों से यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ये अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास का काम किए और 2022 में जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा उसमें वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका मुद्दा रहेगा। राजू यादव जी बताएँ, आप वर्तमान वार्ड पार्षद हैं 15 के जी, कब से हैं आप? हम तो यही 2017 से हाँ। इससे पहले इससे मैडम था। अच्छा, उनका भी प्रतिनिधित्व आप ही किए हैं जी। तो क्या क्या आपके द्वारा विकास का काम किया गया आपके वार्ड में? हम विकास के यही कि गली नली जो है वो किए हैं जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों गरीबों को जो है ना सभी को काम करने के काम किए हैं जी। और सर जितने भी है, विधवा हो या वृद्धा हो, विकलांग हो, जो उसको हम लोग काम करने के काम किए हैं, यानी जो भी आप, जी आपके पास जो भी फंड आया उसको आपको धरातल पर उतार दें। जी जी, हम बेचे खोचा लूट खसोट करने के काम न किए। गरीब लोगों पे आपका विशेष ध्यान रहा है जी सर। और इस बार जो चुनाव है वार्ड पार्षद का बहुत नहीं दी, अब वो तो जनता पर डिफेंस करता है कि हम उसके साथ गलत किए होंगे जी। तो अरे हमसे भी कोई बढ़िया जो है ना हो और कार्यक्रम करे तो कोई बात नहीं है जी जी। हम तो चाहेंगे कि हमको जब जनता वोट देगी तो उम्मीद करेंगे कि और लोगों को कार्यक्रम करें, शौचालय हो, जितने भी कार्यक्रम हुआ है हम लोग ने ईमानदारी पूर्वक काम कर्म करने के काम किए हैं और करें। इस बार अगर जनता आपको मौका देगी पुनः तो आपको क्या लगता है कौन कौन सा काम छूट गया है जो उसको पहले आप करेंगे? जो गली नली कुछ छूटा हुआ है जी, कुछ जमीन विवादित के कारण उसको क्लियरिंग नापी करके उसका पुनः क्लियर किया जाएगा। हमने कार्यपालक अधिकारी को हमने लिखित दे चुका हूँ कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। देखिए कब तक हटाता है, क्लियर कर पाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? हम सभी को बधाई देते हैं, जनता को जितना है जी, जो काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको पूर्ण किया जाएगा। अगर आप दोबारा जीत के आएंगे तो जी, और जब तक हम रहेंगे जी तब तक हम काम करते रहेंगे जी जी। यानी समाज सेवी के रूप में आप यस, चाहे जीते तो भी ठीक है और नहीं जीते तो फिर जी जी, जी जो होगा आप करते जी एकदम करेंगे, बेचक करेंगे, हर दुख सुख में हम काम करते हैं जी, चाहे शादी हो या श्राद्ध हो, किसी भी काम में जी जी जी।
फिलहाल की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम खबरों को लाइक करें, और साथ ही फिलहाल की खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आदर्श भारतीय चैनल को सब्सक्राइब करें।